मनोज लोरा मेरा आप लोगों से इतनी जानकारी देना नितांत जरूरी समझता हूँ कि पर्वत सर से लगातार एमपी साहब के साथ हूँ और जो लोगों के अंदर जुनून मैंने देखा, लोगों का जो प्यार इनके प्रति देखा, इंडिया लाइफ के गठबंधन के प्रति देखा, उन सब को देख के मुझे ये समझ आता है जो होने वाला चुनाव है एमपी का, उसके अंदर नागौर से हनुमान जी बेनीवाल को रिकॉर्ड मतों से हम लोग जिला के संसद में भेज देंगे। इसमें कहीं कोई फर्क, कहीं कोई शक नहीं रह जाता। और ये हनुमान जी बेनीवाल वो व्यक्ति है जो पिछले बार जब सांसद बने तो इंडिया गठबंधन की बजाय जो एनडीए का इनका गठबंधन था उससे थे, लेकिन जब किसानों के काले कानून और उनके खिलाफत की बात हुई तो एक वक्त एक मिनट में लगाया, तुरंत से गठबंधन को तोड़ा और ये बोल दिया कि मैं किसानों के साथ खड़ा रहूंगा। और ये जानकारी बहुत कम लोगों को है, उस वक्त केंद्र सरकार के गृह मंत्री और उनके एक और मंत्री जिनका नाम पीयूष गोयल जी थे, उन्होंने कोशिश की इनसे बात करें और पीयूष गोयल जी ने इनको ये भी बोला पीछे कि अमित शाह से बात करना चाह रहे हैं। इन्होंने बोला अमित शाह को बात करनी है कि काले कानून वापस ले, उसके बाद जो बात करें अन्यथा मैं किसानों के साथ खड़ा हूँ और आने वाले वक्त में भी खड़ा रहूंगा। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ, आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि चुनाव के अंदर हम सब मिलके बहुत अधिक मतों से भाई हनुमान जी बेनीवाल को चुनाव जिताए। और ये मोदी और अमित शाह का जो एक ठेकेदारी की प्रथा इन्होंने चला रखी है उसको कहीं ना कहीं पीछे धकेलने का काम करें। आप सभी का ढेर सारा धन्यवाद और मैं अब निवेदन करूंगा जाकिर साहब से कि वो हम सब निवेदन करें। भाई हमारा राम जी सौ की उम्र पता राम राम साहब, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे बीच के अंदर इंडिया गठबंधन के हमारे कांग्रेस और आरएलपी के प्रत्याशी नागौर के लाडले हमारे भाई भगवान हो गया। पहली बार नागौर जिला प्रधान पे सुबह से के बीच में में चला है तो बहुत ऐतिहासिक चला है। और आज हनुमान जी बेनीवाल साहब आज क्या विधानसभा में जनसंपर्क रैली के रूप के अंदर एक दिन की सूचना में कल दोपहर को पहुंच डाली, 26 तारीख को सुबह 10 से शाम तक चौसर पहुंचने का प्रोग्राम है। जगह जगह तड़के बिछाए हुए नागौर के कार्यकर्ता आपका हार्दिक स्वागत करें, मैं भी आपका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने नागौर की भावना के हिसाब से आरएलपी से गठबंधन किया और हनुमान जी बेनीवाल को चुनाव कराया। कल नामांकन रैली है, सभी को
जादव जात आजाद ने मेहनत छोड़ दी थी के नेतृत्व में नागौर बदल आए। नागौर के अंदर सबसे ज्यादा अगर काम हुआ है पिछली सरकार में तो भाई महेंद्र चौधरी जी ने कराया, चेतन जी टूडी ने कराया, लेकिन जो परिणाम आप लोगों ने दिए और उसका पता भी वहां से 3 दिनों 3 महीनों में पता चल गया के इतना काम विकास करने के बाद में चुनाव में हार हुई। आपको इस हार का बदला लेना है और जो होगा मैं देख रहा हूं सबसे महेंद्र चौधरी जी की हार हुई है मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ हनुमान बेनीवाल जी और मैं दोनों राजस्थान की यूनिवर्सिटी के अंदर छात्र संघ को अध्यक्ष हिंदुस्तान में कोई भी यूनिवर्सिटी को छात्र संघ अध्यक्ष कोई इतो जितो रोटो नहीं है। देखो राजस्थान की यूनिवर्सिटी में छात्र उम्मीदवार कांग्रेस संयुक्त उम्मीदवार गठबंधन बहुत बड़ा फैसलो हुए पूरी सीसी बैठे बात को फैसलो हुए तो फिर अपना हाथ के अंदर हो चुके हैं। अब रिकॉर्ड मैं पूर्व में ये बात कही और रिकॉर्ड 70 के अंदर अब बंपर वोटर जीतते हैं तो मजेदारी है जीत तो पक्की है। अब तो अगर कोई आदमी दिमाग में अगर कोई गलत फहमी हो है आज के मुख्यमंत्री आ रहे हैं पठानकोट को नागौर आ रहे हैं आज तो मुख्यमंत्री आ रहे हैं मैंने काल देव जी थे मैं खुद ही तो नहीं कर दिया मेरे क्यों है मेरे नागौर के अंदर कई संविधानी थी आप लोग काल दे दीजिए ठीक है। बाद अंदर जब आपको दौरों से पंचायत में आवा गांव के अंदर आवा आप लोगों ने कहना चाह रही हूं कोई भाई के किसी प्रकार की दिमाग के अंदर कोई कसर नहीं रहनी चाहिए सबसे मोटी प्रकार की बात है। मैं दोनों खड़े आपके बीच के अंदर और आप लोगों ने बात की बोलावन है भारी बहुमत के साथ के अंदर 25 विधानसभा क्षेत्र के अंदर तो भारी बहुमत तो जीता रहे हो लेकिन यार हिंदुस्तान के अंदर हनुमान बेनीवाल को एक बार जब पार्लियामेंट वापस जोड़े हुए और जीत भारी है और आप
आपने विधानसभा क्षेत्र की इतनी कसर बात 3-4 महीनों पहले देखी है। अब माहौल तो भाई को रहना कहते तो काट ली कोई बात नहीं, लेकिन यार हम तो बोलने को रहना हमारी अपील निवास से मन की महत्व का होगा ऊपर पत्र होगा, लेकिन अब आप लोगों ने क्योंकि अब तहसीला की टक्कर है। अबे चेतन जी थोड़ा वोट ऐसा कि मैं बहुत ज्यादा वोट कई और मंजू जी ने थोड़ा थोड़ा वोट तो भाई अच्छा तो भाई स्थिति बनेगी, लेकिन मैं तो मेरा वोट हार गया तो बिन पूरो जगह हरेरी की बिन पूरी भरे बराबर। और रामलाल जी आप लोग सहयोग करो पूरा सब लोग, और इन नावा में नावा के अंदर की ज्योति मिर्गा जी ने बैठक पिछला एक बार चुनाव लड़े उसी टाइम कांग्रेस ने बैठक दिलाई थी के बाद जनता ने कांग्रेस से बैठक मिल नहीं पाई है, लेकिन अपनी बात जनता को मानस है और बहुत अच्छे मानस है, और नावा विधानसभा क्षेत्र के अंदर बंपर वोट हुआ है। आर एफ उम्मीदवार कांग्रेस उम्मीदवार आप लोगों को थोड़ा निवेदन करना चाह रही हूँ, पुनः आप लोगों से हाथ जोड़ कर निवेदन करना चाह रही हूँ कि मैं मजबूती देना चाह रहा हूँ, और हनुमान बेनीवाल जी के जीत के बाद देश की राजनीति की तय कर पिछली बार जगह जीतिया क्यों मोदी ने छोड़ो क्यों किसानों के साथ अन्याय, एक किसान का बेटा है और किसान की कोई तकलीफ फिर कभी भी कोई भी मंच के ऊपर आप बड़ी मजबूती के साथ उठाई है। अब वो जो गठबंधन को वोट हिंदुस्तान की तय वाली राजनीति के अंदर एक बार फिर आप लोग देश लो हर स्टेट के अंदर अड्डे अपने पड़ोस में सीकर में अमरा राम जी अड्डे आरएलपी बांसवाड़ा मोहन शिक्षा चल रही है, तो हमारा आप लोगों से निवेदन करना है और बता करा चर्चा करा मोटा तौर के ऊपर हनुमान जी काल रामा सीमा पर लोग आएगा लोग मारा बैठे लोग अब बात की आप कहा करना है मैं भाई मायरों पर मायरों पर एक आदमी खड़ो क्यों मायरों तो एक बार भर से जैसा जी कहना चांदपुरा जैसा जी क्यों 5-4 हो मैं सबको मारो क्या बात है तो सागेड़ों से मरो यार पिछली बार चुनाव लड़ रहे आया क्यों मैं प्रचार खड़े कर दिया चल रहे क्या कहते हैं अब के बाद जब बार अगर लास्ट बार आपको चल रही काम बात हमारा सहयोगी सारा सारा वो छोटी मोटी कोई और बात ऐसी तो आपके ध्यान में लगे हुआ चुनाव के बाद बता सको आप मोटरसाइकिल वाली बात, लेकिन पहली नहीं बतानी है हिंदुस्तान की नजर है मीडिया पूरा आ रही है। अब जो बीसी को काम है डॉक्टर साहब बैठा छोड़ूंगा कि मैं 15 दिन तो अरे हनुमान जी को 15 दिन चुनाव 15 दिन का ये डॉक्टर साहब है रात में कुछ तो फेरी चलवानी चीज है तो टाइम कम है रिकॉर्ड बढ़ाओ रिकॉर्ड ताकि जब गिनती हो ना 4 तारीख में तो भी टाइम वो नागौर जिला को एक बार यार वो रिकॉर्ड स्थापित कर दो हमारे टाइम में देखिए बाहरी लोग जगह अपन जगह भेज दे वहां पन्ना बात कर मत क्यों फालतू का मन बार बार यार मैं कही है बात 3 बार चुनाव लड़े रही ज्योति मिर्जा जी ने बात की असेंबली के अंदर मैं कही ज्योति मिर्जा जी बहुत होशियार है डॉक्टरी भी है एक बार मैं एमपी भी बनाया कांग्रेस में लेकिन बहुत बड़ी भूल करी है भारतीय जनता पार्टी ने जमा की मैं खुद बोलियो स्टेटमेंट बहुत जल्दबाजी करी है अरे नाथुराम जी मिर्जा तो सत्यानाशी फूल हलवाई को देखता अब 14-15 हजार मशीन गई नागौर में और 3-4-5 को जा तो ठीक रहे बैठे नागौर की लगन मान पांचे हो गया मैं तो कचेरा कमर बार परमेश्वर जगाड़िया ने मकरना लाग भैया की तो जाना भरेड़ी है अपन मेहनत करनी है क्योंकि तहसील दो दो नगर परिषद अरे कई प्रकार हो लेकिन कृषि कोशिश प्रयास करा जति मऊ से जति मेहनत करवा कोशिश करा और खुद का चुनाव में भी जिकी जति मेरे पे करी क्यों ज्यादा मेहनत कर और नाम का निजन दे वाले आदमी आगे और फिर विश्वास लाओ आज जदों मेरा लोगन फार्म भरवा मानो है बार बार एक एक अलग अलग मुद्दों को लगा लो व्हाट्सएप पे देख लियो संचार हो जाए हर आदमी फोन करा कौन जा सके मेरो मान दो नागौर तक का चर्चा रहनी चाहिए पूरा राजस्थान के अंदर हिंदुस्तान के अंदर
कांग्रेस और आरपीए के उम्मीदवार आज तक अधिकतर नामांकन में लोग नहीं करता है, मतलब नागौर के अंदर लोग इकट्ठा हुआ और आगे बढ़ चाहिए और कुछ को आज भी चल रही है जदी और लगातार चलती रहनी चाहिए। आप लोगों का निवेदन है और भाई बहुमत के साथ में आप लोगों रामैया जी गौड़िया भी अब बार आया है तो बार चलाया गाड़ी में देखी फोन में चलाया है देखे अब चलाए गाड़ी सभी चला रहे हमारे सब चला रहे लेकिन कोई भी भाई ने अगर दिमाग के अंदर किसी भी प्रकार की छोटी मोटी भी बात है तो निकाल दीजिए और खुद खुद हनुमान बेनीवाल आप लोगों ने चुनाव में कामयाबी करनी है। तीन चार महीने हो चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे मंत्री हो चाहे एमएलए हो गांव के अंदर लोग परेशान हो चुके हैं और आपने विजय चुके हैं और 19 अप्रैल भारी बहुमत मतदान कर और आप लोगों ने हनुमान बेनीवाल जी कामयाब कर लो है हमारी आप लोगों को अपील है। बहुत बहुत धन्यवाद जी और मैं तब से युवा विधायक भाई रामैया जी अपील करूंगा आप लोगों को संबोधन आज सुबह से जिस तरह का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी और आरएलपी के संयुक्त उम्मीदवार श्री हनुमान जी बेनीवाल साहब के साथ में हमारे बड़े भाई जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई जाकिर हुसैन जी जो वर्तमान में मकराना के विधायक है, बड़े भाई चेतन डूडी जी, आदरणीय बड़े भाई महेंद्र जी और हम सब लोगों के साथ में, क्योंकि अगर राजनीति में इस मंच के ऊपर हम सब लोग हैं तो केवल और केवल आप सब लोगों की देन है। और जब किसान परिवार से निकलने वाले नौजवान भाई प्रदेश की और देश की सबसे बड़ी पंचायत में जाते हैं तो निश्चित तौर पर उनके मन में दिल में हर वक्त इस बात की पीड़ा रहती है कि मेरे नौजवान और किसान का भला मैं कैसे कर सकूं। वाली पार्टी के खिलाफ इस देश की संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करने वाली पार्टी के खिलाफ और इस देश में धर्म और जाति के नाम पे जहर घोलने वाली पार्टी के खिलाफ इस देश का नौजवान और किसान इस चुनाव में ये साबित करेगा कि इंडिया गठबंधन जीतेगा और इस देश की जो मोदी तानाशाह सरकार है जिन्होंने नौजवानों के साथ छलावा किया किसानों के साथ छलावा किया और आने वाले समय में हम सब लोगों को ये समझना पड़ेगा कि अगर हम सब लोग एकजुट नहीं रहे तो आने वाले समय में हर व्यक्ति को उन तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ेगा जो हमने कभी जीवन में नहीं सोचा। इसलिए हम सब लोगों को एकजुट होकर 36 कौम के लोगों का आशीर्वाद हम सब लोगों को चाहिए। और मैंने मेरे कई नौजवान दोस्तों से पूछा, मेरे साथियों से पूछा तो कल होली स्नेह मिलन पर भी सब लोग घर पे आए, सबने कहा कि साहब हमारे सामने एक दुविधा होती है, कभी हनुमान जी, महेंद्र जी, चेतन जी, मुकेश जी, रामैया जी, हम सब लोगों को जाकिर जी को सबको पसंद करते हैं लेकिन चुनाव में हम सब लोगों के खिलाफ अलग अलग पार्टियों से आप खड़े होते हो फिर हमारे सामने दुविधा होती है। लेकिन नागौर की जो परंपरागत राजनीति रही है किसान की नौजवान की इस बार बात कर ले तो नावा एमएलए साहब बैठे रामनिवास जी, मकराना जाकिर साहब बैठे हैं आपके बीच, भाई अमर जी भी बैठे हैं, चेतन रूडी जी बैठे हैं, भीड़वाड़ा के पूर्व विधायक और इनके पिताजी और हमारा बड़ा पारिवारिक रिश्ता था, आप सबको पता है। हम सब मैं आज ट्रेन पे चला था जयपुर से लेकिन इतना प्यार प्रेम उत्साह और जोश जयपुर से निकलते ही नरेंद्र रूपनगढ़ से लेके एंट्री हुई
उसके बाद जिस तरह का जो जुनून देखने को मिला उसे देख के लग रहा है कि चुनाव के अंदर बहुत ऐतिहासिक परिणाम आएगा। और नावा विधानसभा क्षेत्र से जिस तरह महेंद्र जी चौधरी जो आप इन्होंने डेवलपमेंट कराया नावा के अंदर, ये अपनी बात रख रहे थे पूरी मजबूती के साथ बात रखी। और नावा के अंदर जिस तरह आप बैठे हैं, मौजी पूरी कांग्रेस पार्टी यहाँ बैठी है, कांग्रेस के हमारे चेयरमैन साहब बैठे हैं, सारे युवा नेता बैठे हैं कांग्रेस पार्टी के, ब्लॉक से लेकर तमाम। मुझे पूरी उम्मीद है कि नावा इस बार भारतीय जनता पार्टी को पीछे धकेल देगा और कांग्रेस के क्षेत्र विकास को यहाँ से आगे रखेगा। वैसे बदलाव जो युवा है, आज हमारे राजस्थान यूनिवर्सिटी में बात कर लें तो नावा के सैकड़ों हजारों बच्चे राजस्थान यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, वो बदलाव चाहते हैं। और बदलाव यही चाहते हैं कि किस तरह पूरे जीवन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाने वाले ईडी की रेड के डर से भाजपा ज्वाइन करके सामने आ गए। तीन बार लगातार हारने के बाद थक नहीं रहे और हारने के बाद वापिस चले जाते हैं और पांच साल बाद वापिस आ जाते हैं। आखिर कब तक ये खेल चलेगा? इसलिए इस बार आपको मजबूती के साथ इनको कड़ी शिकस्त देनी है। और पिछली बार में मकरणा के अंदर मजाकिर साहब कह रहा था, इन्होंने मुझे मकरणा पीछे रखवा दिया था पिछली बार, मकरणा में पीछे रहता बाकी लेट ले लेते हैं। सात जाने की बार इनका सात का दस गुना 70 जहां से आगे रखा। तो अब की बार नावा में भी आपके चेहरे देख के लग रहा है कि नावा के अंदर आप बढ़त दिलाओगे। महेंद्र जी ने एक बात कही, संभालना तो आप लोगों को सबको यहाँ पे, हो सकता है सुनो, हो सकता है मुझे कई जगह इंडिया गठबंधन का हिस्सा हूँ, मुझे दूसरे क्षेत्रों में डिमांड हो जाए, पार्टी कहते हैं कांग्रेस पार्टी के नेता कहते हैं हनुमान जी आप वहां भी जाकर रैली करो, तो मुझे कुछ जगह जाना पड़ सकता है। जो दो दो दिन का समय मैं दूंगा, दो दिन नामा विधानसभा क्षेत्र के अंदर मेरे साहब आप बता देना, सब दो दो दिन का मेरा रहेगा, कोशिश मैं करूंगा, लेकिन बाहर भी जाना पड़ सकता है। ये लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। इस ऐतिहासिक जंग के अंदर आप देख रहे हैं क्या हालात हो रहे हैं, जो भी सरकार के खिलाफ बोलता है उसे गिरफ्तार करके बंद कर दिया जाता है, उसके अगर ईडी भेज दी जाती है, सीबीआई भेज दी, जैसे भी बीजेपी ज्वाइन करता है वो जिस तरह वाशिंग मशीन से कपड़ा धुल के निकलता है उसी तरह वो व्यक्ति पाक साफ हो जाता है।
और अलायंस को 20 दिन लग गए, तो इससे अंदाज लगा सकते हो दोनों पार्टियों के अंदर किस तरह उसकी घुसपैठ होगी। आपके बीच नहीं रहेंगे, उनका जो नंबर होगा, उनका घर कहाँ है, कल मैं कर लूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी। हमारे नागौर क्षेत्र के काफी लोग यहाँ पे आए, मैंने तो देखा नहीं, कर 3-4 महीने के अंदर वहां को घर पर लोगों को देखा नहीं, फोन नंबर कौन था हमने नहीं देखा, दिल्ली में कहाँ रहते हैं, गुड़गांव में कहाँ है, हमने उनको नहीं देखा था। आजादी के 75 साल बाद अगर अपन ऐसे लोगों को वोट दे जिनका कोई अता पता नहीं और जिन तक जाने के लिए 50 बिचौलिए खड़े हो, उससे बात करो, वो उससे करेगा, उससे करो, वो उससे करेगा, तो फिर ऐसी आजादी किस काम की बताओ मुझे। नागौर पर पूरे देश की नजरें, जब मोदी तीनों काले कानून लाए, या तो पंजाब के अकालियों ने मोदी की सत्ता को ठोकर मारी, या उत्तर भारत के अंदर जो देश की सबसे नई पार्टी थी, मैं चाहता हूँ दिल्ली में मंत्री बन जाता, मैं एनडीए गठबंधन का हिस्सा बन 10-15-20 सीट गठबंधन में ले लेता, लेकिन मेरा जमीर जिंदा है, मैंने कहा मेरी कौम और किसान खतरे में है, ये पुकार रहा है, मोदी की सत्ता को ठोकर मारी, 70 दिन तक नेशनल हाईवे पे बैठा रहा, सड़क जाम की, फिर जब सेना को ठेके पे दिया, देश का कोई शांत लड़ाई नहीं लड़ रहा था, एक व्यक्ति लोकसभा में लड़ रहा था, जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके संदेश दिया कि सेना को ठेके में नहीं देने देंगे, चाहे बढ़ती महंगाई हो, चाहे आपके यहाँ जिस तरह बजरी का खेल चला और जो मामले चले राजस्थान के, हर समय इस व्यक्ति को आपने लड़ते हुए देखा, सड़क से लेकर विधानसभा और लोकसभा। लोकसभा में ऐसा कोई दिन नहीं होता होगा जिस दिन मैं 2-5 मिनट इस राजस्थान के लिए और देश के जवान किसान के लिए आवाज नहीं उठाता था। ये मैंने प्रयास किया, मेरे प्रयास का ही परिणाम कि जो राजस्थान के दूसरे एमपी थे, जब उनकी पिछली बार की मैंने हाजिरी देखी 14-19 की, 50% हाजिरियां थी, मैं जाता रोज जाने लग गए, लोग गुजरे आप तो सोते रहे हनुमान के करे बोलते हैं, वो भी एक्टिव हो गए, जाके बैठे हनुमान अखबार में छप जाएगा, टेलीविजन पे आ जाएगा। प्रयास किया और प्रयास ये कहते हुए लोगों को लगा कि हमें भी काम करना चाहिए, ये प्रयास मैंने किया और मैंने आपके सम्मान को ठेस नहीं लगने दी। वीर तेजा जी के जयकारे के साथ लोकसभा की शुरुआत की, तब नरेंद्र मोदी ने कहा मुझे 5 मिनट थे कि हुज तेजा जी, और उसी नरेंद्र मोदी को तेजा जी के मंदिर में नाग रगड़वा दिया। मैंने प्रयास किया और ये आप सबकी इच्छा भी है कि मैं दिल्ली जाऊं, विशेषकर ये तो सारे चाहते हैं मैं दिल्ली जाऊं, पंजाब आराम से काम करूं, तो ये दिल्ली भेजना चाहते हैं मुझे, और मैं भी दिल्ली जाके और आपकी मजबूरी से पैरोकारी करना चाहता हूं कि सरकार से लड़ने के लिए आदमी भी चाहिए, और मुझे पूरी उम्मीद इस बार नागौर के साथ साथ और सीटों पर भी कड़ा मुकाबला है, बीकानेर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, राजसमंद, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर, कोटा, मैं 15-20 सीट बता सकता हूँ, कड़ा मुकाबला होगा, कांटे की टक्कर होगी। अब कोई सारी ईवीएम में बदल दे तो इसका मुझे नहीं पता, बाकी तो हार जीत सामने की ऐसी शिकायतें हैं, ऐसी शिकायतें मिलती रहती, जनता का मानस है, लोकतंत्र खतरे में। मुझे लग रहा कि इस बार अगर ये 450 लगभग आए तो चुनाव ही बंद करा देंगे, फिर क्या करोगे आप लोग बताओ, कौन आएगा वोट मांगने आपको भी। इस बार मजबूती से अपने अपने लोगों को चुनना है, नामा सत्र से आपको मुझे आशीर्वाद देना, हमेशा आपका आशीर्वाद रहा है, पिछली बार भी बड़ी बढ़त है आपने की, हमेशा नावा के बच्चे, चाहे मैं कहीं रहा किसी पार्टी में रहा, लेकिन आपने मुझे सपोर्ट किया हर आंदोलन के अंदर, आप आते थे किसान आंदोलन चलने के, इस बार आपका जोश देख लग रहा है, कल मैंने कहा रूट डाल दिया प्रोफेसर वाला, प्रोफेसर ने मेरे साहब को पहले फोन करके मैंने फिर मंदिर जी किया, मैंने कहा ये सारे बच्चे पीछे खड़े आ गए थे, रूट ये क्यों नहीं रखा आपने, रोज जो रखते हो पार्टी पता चला, मैंने कहा दोबारा बना लूंगा, एक बार रूट डाल दिया तो प्रोफेसर और वैसी बात हो जाएगी, पहले रूट ये किया वो किया। आपको विश्वास दिलाता हूँ कि नावा की करीब करीब पंचायतों को मंदिर जी और हम साथ मिलकर और विधायक भी साथ रहेंगे, हम सारी पंचायतों में अपने ऊपर दर्ज कराएंगे, लेकिन ये चुनाव मेरा चुनाव नहीं है, ये चुनाव लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचा
गया वो उसके नाम पे, वो चोरी ठगी करके उसमें भी सीबीआई की रेड लाइन पड़ी, उसी वजह से पार्टी बदलनी पड़ी। और अब तो यह हालत होगी बीजेपी के अंदर, मैंने देखा कि बीजेपी में लोग ऐसे ज्वाइन कर रहे हैं, आधे नाम जो गलत पढ़ लेते हैं, जब वो ज्वाइन कराते हैं ना जो स्टेज पर पढ़ते हैं, कईयों का नाम ऐसे बिठा के नहीं जाता, उनका ही नाम लेते हैं, कई लोग तो कोर्ट के अंदर है, अरे मैं तो ज्वाइन ही नहीं कर रहा हूँ फिर भी मेरा नाम मान बोलते हैं। अब और बीजेपी वाले नेता क्या करें कि दीवार फांद फांद के आ रहे हैं, दरवाजे तोड़ के आ रहे हैं उनको। और एक बीजेपी का नेता बयान दे रहा था कि गांव में आग लगी तो चूहे छोड़ के भाग गया, अब बताओ जो चले गए उनको चूहा भी बोलते हो? अब मैं उनको याद दिलाऊंगा, तुमको पता नहीं चूहा किनको बोला, उनको चूहा बोला जो भाग गया, भागकर भाजपा के अंदर। तो गंभीर से कांग्रेस ने हमें कुछ कैसे नहीं दिया, 50 साल से कांग्रेस पार्टी ने तुम लोगों को बहुत कुछ दिया, अब तुम्हें हमारे अंदर कैपेबिलिटी होती है, मेहनती होते हैं, उस पद पे पहुंच जाते हैं, एक नंबर दो नंबर, तुमने कभी इच्छा ही नहीं करी, खुद का काम बढ़ाया, बिजनेस बढ़ाया, जिले को ठगा, किन हालात में अपना जिला आप देखे, कब मेरे आती एजुकेशन आज से 40 साल पहले ठीक होती, आज नागौर का नाम पता चल जाता है उसके अंदर हर मामले में, तो 40 साल पहले भी हो सकता था। अब हम सब ने प्रयास किया, अब की बार के सारे जो विधायक थे वो प्रयास कर रहे थे कि भाई हमारी सड़कें बने। देखिए नागौर में 5 साल में बहुत अच्छी सड़कें बनी नागौर जिले, राजस्थान में सब ज्यादा सड़कें नागौर जिले, नए महाविद्यालय खुले, सीनियर स्कूल खुले, अस्पताल जितनी भी अपने स्टेट की है, चाहे केंद्र से भी हम जितना कर सकते थे, सीआरएफ का चाहे पैसा हो, चाहे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का मामला अटका था, वो लड़ते लड़ते लास्ट साल में भी आपके 400 किलोमीटर जो सड़क आई, देश में सबसे बड़ी किसी सड़कें नागौर के अंदर। रेलवे स्टेशन आपके नए बन रहे हैं, सारे जितने भी रेलवे स्टेशन है वो सारे नए बन जाएंगे, वो तो प्रोसेस में काम कई जगह चालू हो जाएगा। मैंने प्रयास किया 5 साल के अंदर कि आपकी आवाज बनके और देश की सरकार का ध्यान दिला, हर जाति वर्ग की आवाज उठाई, हर समाज की आवाज उठाई, आप रोज मुझे देखते जिस समाज को आवश्यकता पड़े मान जाना उनके आगे खड़ा मिला, जिसने मुझे पुकारा, मैंने प्रयास किया। और ये लड़ाई कोई छोटी लड़ाई नहीं है, 2003 से लगातार महेंद्र जी 3 के अंदर और 98 में मामूली मार्जिन हार गए थे, और 98 मेरा पर्चा खर्च कर दिया था, पर्चा खर्च हो गया कलेक्टर स्टेट की गलती से, और 3 में मैं चुनाव हार गया था, और आज मैं विधायक बनने के बाद बहुत से मौके आए कि मैं मंत्री बन सकता था, सरकार का दिल्ली में बन सकता था, लेकिन मैंने कहा मुझे मंत्री नहीं बनना, संतरी बन के मेरे भाइयों की सेवा करूंगा और सत्ता पे कब्जा करेंगे। इस हिसाब से हनुमान मेनुआ राजस्थान के अंदर चला, देश के अंदर चला, चाहे हरियाणा के चाहे आरक्षण आंदोलन का मामला हो, चाहे गुजरात आरक्षण आंदोलन का, चाहे मराठा आरक्षण आंदोलन को, जिनको भी मेरी आवश्यकता पड़ी उनकी बात लोकसभा के अंदर उठाई। जिन छोटे भाइयों ने मुझे याद किया, चाहे उत्तर प्रदेश का था, चाहे झारखंड का था, चाहे बिहार का था, उनके मामलों को उठाए, हर गरीब पीड़ित व्यक्ति की बात मैंने उठाई। मैंने लोकसभा के अंदर ये कहा, मैंने कहा हमारी, मैं राजस्थान के अंदर से आता हूँ, उस राजस्थान में जाट मीणा माली गुजर यादव, हमारी जो मुस्लिम ये संख्या है, मेघवाल ये संख्या है 75-78%, लेकिन हमारा एक भी हाईकोर्ट जज नहीं, ये बात 3 बार उठाई, परिणाम हुआ मीणा हाईकोर्ट जज बने और मुस्लिम हाईकोर्ट जज बने, दूसरी जातियों को बन जाएंगे देखते, लेकिन ये बात कहने के लिए कले जाती है लोकसभा के अंदर, विधानसभा में सरकारों के खिलाफ बोलने के लिए, अपनी जाति के पक्ष में बोलने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए, वो कलेजा हनुमान बेनीवाल के अंदर है, और मेरी कथनी और करनी के अंदर अंतर नहीं, धोखा किसी को दिया नहीं, जिसके साथ है साथ है और जिसके खिलाफ है खिलाफ है, इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। बात करने के बाद मैं कभी पलटता नहीं, ये मेरी आदत हमेशा रही है, आप जानते हैं, लगातार आपने मेरा संगत इन सड़कों पर देखा है, बहुत लंबा वक्त चला गया, महेंद्र जी मेरे से आगे थे यूनिवर्सिटी के अंदर, थोड़े से हमने पहले हम इनके लिए वोट मांगते थे यूनिवर्सिटी के अंदर, फिर बाद में ये मैं इनके बाद बड़ा अध्यक्ष, लेकिन हमने शुरुआत बात करी तो शुरुआत का परिणाम जो है कि आज हमारे नागौर जिले के 5,000 से ज्यादा बच्चे, अब जो निर्मला कुथम नाम का जिला अलग हो गया, मैं तो नागौर कहता हूँ आज भी, नागौर जिले के 5,000 बच्चे राजस्थान यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं। ये अगर 40 साल पहले होता तो कहाँ के काम करते, कौन जिम्मेदार था, अब इन बातों में जाने से कोई फायदा नहीं, अपने को तो इतना समझना है कि नेताओं को भी अगर ठीक किया तो हम सबने मिलकर किया, पहले ये जाते नहीं थे कहीं भी, मैं शादियों में जाते थे, मैं मौत मरण पर जाते थे, आपको बराबर नहीं बैठे थे, इनके कुर्सी लगती थी, बाकी लोग नीचे बैठते थे, इनको भी ठीक किया, गली गली घुमाया, गांव गांव घुमाया, और इनको ये बताया कि आप बड़े नहीं हो, बड़ी जनता है, ताकत जनता के पास है,
वोट से सरकारें बनती है और वोट से ही हम खड़े हैं। कई लोग कहते हैं एमपी साहब आपने मेरे गांव में काम करा दिया, तो ऐसा थोड़ी कर दिया, तो आपका ही काम है, हमारा कोटा थोड़ी होता है, एमपी एमएलए का कोटा उनका खुल गई, जनता का पैसा होता है, हम जनता के लिए खर्च करते, कोशिश ये करते हैं अच्छे काम के लिए खर्च करें। मैंने 100 करोड़ रुपए डीएमएफटी के सब लोगों ने हमने मिलकर प्रयास मीटिंग करा के राजस्थान में सर्वाधिक नागौर जिले को डीएमएफटी का पैसा मिला 100 करोड़, उसमें सारे सरपंच उस दिन आप लोग तो शायद बीजी से मीटिंग में मैं मीटिंग करा के और इसमें आके तय करा दिया पंचायतों को ही देंगे पैसा, पंचायत ज्यादा अच्छा काम करेगी, सरपंच चुनाव को चलती तो संघर्ष करके 200 करोड़ रुपए कम से कम जिले में काम तो आएंगे ना, लगेंगे तो सही, कहीं सड़क बनेगी, स्कूल बनेगी, अस्पताल के अंदर पैसा लगेगा, तो प्रयास आगे भी करते रहेंगे। मेरी तरफ से आप कोई कोर करते नहीं, तो इतना विश्वास आपको दिलाता हूँ कि अब जो आप बीच बात करके जा रहा हूँ उस बात पे भी खरा मिलूंगा, आप निश्चित निश्चित रहें। देरी होगी आने के अंदर, वैसे देरी तो हो ही जाती, मेरी शादी भी लेट हुई थी आपको पता है, महेंद्र जी को शायद मेरी उम्र में हुई होगी, थोड़ी थोड़ी पहले होगी लेट हो जाता हूँ और लेट होने के कारण आपको तो मैं सोया नहीं बीच में, चल ही रहा हूँ, अब आप जहाँ रोक जो बात बोलना भी पड़ता है, तो मैं अकेले खड़े बोलूंगा, सब बोलेंगे और मैं इन सबको धन्यवाद दूंगा, नागौर के हमारे चारों कांग्रेस पार्टी के विधायकों का, और ये विधायक कहते हैं हमारे विधायक 2000 वोटों के रहे, जाहिर वाले भी बहुत कम मार्जिन से 2-2.5 हजार करा होगा, जो सातों आप उनको भी बुलाओ, आठ नाम एक और लड़के नहीं, मैं तो मेरी पार्टी उसको बुलाओ, ताकि सब कल फॉर्म भरे के बुलाओ, जरूरी है, तो पार्टी के अंदर बैठे तो बुलाओ भाई, और या फिर पार्टी छोड़ दे, और या फिर कोई चीज बुलाओ, आज तो भाई भाई सामने भाई लड़ रहे चुनाव से, देख रहे नमोनाथ जी हरी जी नाम सामने चुनाव लड़ कई लड़के, तो मैं नवा क्षेत्र के विकास के लिए पूरा प्रयास करूंगा, मेरे एमपी कोटे का पैसा मैंने नवा कुचामन के अंदर जीते, हमारे सरपंच अलग के सरपंच है नहीं, नंद जी के वही सरपंच, वही मेरे वही आप बीजेपी के सरपंच है, बच्चे तो वही है, प्रयास में कोई कमी, कोई ये नहीं कहता कि नवा में हनुमान जी ने कम बात, क्योंकि नवा का ध्यान मंदिर जी रख रहे थे, सरकार के अंदर थे तो ये ज्यादा ध्यान रख रहे थे, मेरे से जितना बल पड़ा मैंने भी प्रयास किया, कोई ये नहीं कह सकता कि एमपी साहब ने हमारे यहाँ एमपी कोटा उठा, मेरे पास डीएमएफटी का जो भी पैसा जो भी चीज बड़ी प्रयास किया कोशिश की, और आप सबको आपस में लड़वाने का काम नहीं किया, सबको साथ रह के एकजुट होके बैठ के भाईचारे के साथ आगे बढ़ने की बात की, उसी का परिणाम कि आप प्यार करते हैं मेरे से, कई बार हो सकता है कि भावुकता के अंदर कोई बात हम कह देते हैं, और कई बार ये होता है कि गुस्सा आ जाता है, गुस्सा तो उस व्यक्ति को आता है जो सच्चा होता है, जो प्रयास करता है, जो लड़ता है, लड़ते लड़ते उसको लगता है मैं किनके लिए लड़ रहा हूँ, मुझे सफलता क्यों नहीं मिली, अब आप बताइए, फिर भी लड़ाई जारी है, इस दौर के अंदर पार्टी बनाकर चलना बहुत ज्यादा, मैं धन्यवाद दूंगा तमाम हमारे जिले के विधायकों का नेताओं का, इन्होंने भी गठबंधन के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इन सब ने दिल्ली के अंदर ये अलायंस करके अगर हनुमान जी को लड़ाओगे तो सीट निकलेगी, और अलायंस नहीं करोगे तो फिर वो जीत जाएगी, ये सारी बात उसके बाद ही तय हुआ था, क्योंकि कांग्रेस में भी तो कटिंग करने वाले कई तरह के लोग बैठे हैं, ज्योति के कनेक्शन है हर जगह, तो कांग्रेस पार्टी ने इस बात को रखा और मुझे सम्मान दिया, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जो सम्मान कांग्रेस ने मुझे दिया
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान का प्रत्येक कार्यकर्ता और मैं स्वयं जाके कांग्रेस के प्रत्याशियों के वोट की अपील करूंगा। और 20 सीटें 25 जीरो का जो सपना है बीजेपी का उसको इस बार खत्म कर देंगे। आप चिंता नहीं करें, मजबूती से राजस्थान की जनता मजबूती से लड़ेगी। राजस्थान का जवान, किसान, मुस्लिम और जो सर्व समाज है वो इस बार मोदी और अमित शाह का जो घमंड है उसको उतारने का प्रयास करेगा। आप देखिए राजस्थान में क्या हालात है, जिनको मुख्यमंत्री बनाया वो दिन में 50 बार तो उनकी जबान से चल जाती है, पता इन चीजों क्या क्या कर देते हैं। 24 घंटे हवाई जहाज पर रहते हैं, उनको पता है कि कभी भी ट्राई जा सके तो मजे ले लो बाद में। ये कह रहे मजा तो टाइम पे ले लेना चाहिए। जब मैं मंत्री बन नहीं बन पाया तो चली गई, मतलब क्या मजा नहीं आ रहा पहले बनते मंत्री बने नहीं बने खाली भी रह सकते हैं। लेकिन उस व्यक्ति को किसी ने पूछा कि मुख्यमंत्री जी हमेशा आप उधर खटोले में रहते हो, बोले कि मुश्किल से नंबर आया साला, मैंने तो कभी जीवन में नहीं सोचा कि मैं सीएम बनूं। अभी तो उन्होंने बना के खुद को ही नहीं, वो भी इस बात को ढूंढ रहे हैं कि आखिर मुख्यमंत्री में किन समीकरणों को, अभी तो पता नहीं चला। ऐसे व्यक्ति अब राजस्थान संभाल रहे तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए आपको मजबूत लड़ाकों की आवश्यकता है। मैं तो मोदी जी के लिए भी कहता था, मोदी जी का कोई भरोसा नहीं। जिस तरह नोटबंदी करी वो कह दे कि जितना भी सोना है वो लोहा माना जाए तो लोहा और सोना फिर क्या करोगे आप लोग, कर दिया ना ऑप्शन सिलेंडर का भाव एकदम थोड़ा लोगों ने देख लिया। सारी बातें आपके सामने, हम तो लड़े हर हर जगह और लड़ते लड़ते और आप पार्टी बना के उस पार्टी को जिंदा भी रख दिया। छोटी पार्टी टूट गई करीब, तोड़ गए लोग, इधर बड़ा तोड़ गए उधर बड़ा तोड़ गए, पार्टी जिंदा रही। आपके लिए फिर लड़ेंगे, विश्वास दिलाता हूँ कि नवा विकास का नया आयाम देंगे हम सब मिलके और नए नागौर का निर्माण करेंगे। मैं धन्यवाद देता हूँ इनको, हमारे नवा के अंदर नंद जी को और इनकी पूरी टीम को, कांग्रेस पार्टी को और हमारे आरजेडी के छोटे भाइयों को, कि सब लोग आप पिछले 4 घंटे इंतजार कर रहे हैं। अब हम आखिर के लिए प्रस्थान करते हैं, आप मुझे दोनों हाथों का आशीर्वाद देना और इस बार नवा के अंदर बढ़त दिलाएंगे, ये मुझे भरोसा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय तो यारा हो तैयार जग है तेरा। ये मार